तीरंदाज राकेश कुमार टोक्यो पैरालंपिक खेलों के इंडिविजुअल कैटेगरी के बाद मिक्स्ड टीम इवेंट के भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जाति बलियान के साथ उनकी जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राकेश कुमार इन खेलों में अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। राकेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैरालंपिक खेलों के पुरुष इंडिविजुअल इवेंट के बी प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि श्याम सुंदर स्वामी दूसरे दौर में बाहर हो गए। क्वालिफिकेशन दौर में 720 में से 699 स्कोर करने वाले 36 वर्ष के राकेश ने शनिवार को हांगकांग के क्वा चुएन इंगाई को 13 अंक से हराया। दुबई में इस साल 7वां फज्जा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाले कुमार ने 150 में से 144 अंक बनाए। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले राउंड में दोनों टीम बराबरी पर थी। इसके बाद दूसरे राउंड में थाईलैंड की जोड़ी ने बाजी मारी और 37-36 से यह राउंड अपने नाम किया। तीसरे राउंड भारत ने 38-36 के साथ लीड हासिल की। आखिरी राउंड में थाईलैंड की टीम काफ़ी दबाव में दिख रही थी और वह केवल 33 अंक ही हासिल कर सकी। वहीं भारतीय जोड़ी ने 37 अंक हासिल करके राउंड अपने नाम किया। थाईलैंड की जोड़ी केवल ही परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल किया। वहीं ज्योति और राकेश ने दो बार यह कारनामा किया।